ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵਿਮਲਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਨੂੰਹ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਮਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਧਾ, ਜਵਾਈ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਜਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ, ਜਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ, ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਗੀਤ, ਜਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਤੇ ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਾਲ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸਫੇਦ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਮਾਸਟਰ ਜੀ 40 ਸਾਲ
लगातार 40 साल एक जिंदगी ने भी बहुत बड़ी गल हुई है। लभू राम दुआबा कॉलेज के स्कूल से अपनी सेवा राष्ट्र राष्ट्र के बच्चों शिक्षित करने देते रहे हैं। उन्होंने बहुत बच्चों एन सी सी के कमांडिंग अफसर के रूप के भी देश लई कुर्बानी का पाठ पढ़ाया। मास्टर जी ने बच्चों अपने घर ट्यूशन भी पढ़ाइया पर कदे पैसे लैन तो उन्होंने हमेशा परहेज किया और ये कहते रहे भी फ्री जरा मर्जी मेरे को आगे पढ़ लवे मैं पढ़ाने की फीस कदे मैं लै नहीं सकता। वो इस गल के हमेशा ट्यूशन फीस के विरोध ही करते रहे। जरा बच्चा जिन्नी देर मर्जी पढ़े पर फीस नहीं उन्होंने लैनी कदे मंजूर हुई। भगवान एक असी जिन्हें भी जरा इलाज साढ़े देवता उन्होंने नाम है भगवान धनवंतरी। भगवान धनवंतरी मेडिकल का देवता कहा जाता है। उन्होंने कृपा नाल उन्होंने देसी दवाइया के दे बहुत बड़ी महत्ता कही है कि साढ़े व्डे भरा श्री मंगत राय जी अग्रवाल जी नहीं रहे। जितों तक मंगत राय अग्रवाल जी का सवाल है उन्होंने सारी उम्र समाज की सेवा की। समाज में बच्चों ने भी अच्छी शिक्षा दी अपने स्टूडेंट ने भी अच्छी शिक्षा दी अच्छे संस्कार दिए जिसकी बदौलत अब परिवार ऐसी शोहरत हासिल कर रहा है कि जेड़ा कि आगे करता पर जेड़ा प्राणी है उन्हें एक दिन जाना ही है। आदमी इंसान कहता है कि दुनिया के जो कोई सच चीज है तो मौत है जो कोई झूठ की चीज है तो वह जीना है। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों मास्टर जी को श्रद्धा के फुल भेट करदा ते नाल ही तुसीं इस घड़ी के उन्होंने नाल दुख उठाया है तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद। जिते तुसीं दुख उठाया है जिते तुसीं उन्हां नूं भावना रूपी श्रद्धा के फुल भेट किए हैं। आओ आप रल के सारे आप राम हाल के बैठे हाँ प्रभु राम विराजमान हैं आप क्यों ना आप प्रभु राम के अगे अरदास करिए की अरदास करनी है कहत कबीर सुनोरे संतो खेती करो नबेड़ा अग की बार बख्श बंदे को बहुत न बाबजा नबेड़ा। अगे आता है कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई माटी क्या गया तो प्रभी मानस की करते ही। आप सारे ने अरदास करनी है कि मास्टर जी को किसी वेले कोई अनजाने कोई गलती हो गई हो गलती ना परमात्मा विचारे यही है कि उन्होंने अपने चरणों से निवास देना इस जन्म मरण तो मुक्त करना। इन्होंने शब्दों के नाल तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल परिवार को तुहाडा एक एक कदम चलिया अग्रवाल परिवार के सिर मत्थे अंत में मैं इन्होंने शब्दों के नाल अपनी बाणी को विराम दिना हाँ। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ रहा ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया रहा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ओम शांति शांति शांति। मैं भी अपन वो लैके अपना स्वाद लैके इस संसार में उस व्यक्ति में छड़ जाए पर कुछ सज्जन जेड़े है या कुछ व्यक्ति जेड़े है वो अपना नाम जेड़ा वो इस समाज के छ जिन्होंने ही मंगत राम जी है क्योंकि जे उन्होंने अपना जीवन दर्शन किया अपने बच्चों को एजुकेट किया है और बच्चों उच्चे रुतबों में है उच्चे समाज के व्डे वर्ग में उन्होंने एजुकेशन के तौर पर शिक्षा देकर अब उन्होंने के उन्होंने मैं कहना कि जोड़ा टीचर ज्यादा कुत्ता ही वह ज्यादा प्यार हों ते साडे राजे बैठे है कौंसलर जी है और एमएलए रही है इन्होंने सत्य मूल है रचना सारी सर्व सत्य प्रभुला।
Be generous.
Shut up.
सत्संग सुनते
हुए नाना प्रकार का वैराग्य जीवन में आता है, लेकिन सत्संग से बाहर निकलते ही भगवान की माया इसे हावत कर लेती है और ये सब बातें भूल जाता है। चौथी मनुष्य की बुद्धि उत्तम होती है। महाराज शमशान के समय जब अपने सगे संबंधी को जलती हुई चिता में देखता है, तब चिंतन करता है ओहो मुझे भी एक न एक इसी जगह आना पड़ेगा, लेकिन शमशान से निकलते ही सब भूल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि गर्भ जी 9 मास पूर्ण होते ही इस संसार में जब जीव आता है गर्भ की सब याद भूल जाता है, भगवान की माया इसे घेर लेती है। प्रथम वर्ष दिन रात धन की हाय हाय में बीत जाता है, जवानी भोगों में बीत गई, दिन धन की हाय हाय में बीत गया, कुटुंब पालन की चिंता में लगा हुआ यह जीव अपने ही घर में एक दिन बूढ़ा हो जाता है, कुरूप हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, बलहीन हो जाता है और पांचों इंद्रियों का सेवन करता हुआ एक दिन यह काल का ग्रास बन जाता है। श्री भगवान कहते हैं आया किसी का किसी को नहीं पता। एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, साथ में मर्दाना और भाई बाला जी भी थे। गुरु नानक देव जी ने प्रश्न किया, मर्दाना मौत को कितनी की दूर समझता है? मर्दाना कहने लगा हे गरीब रिवाज आजा चढ़ेगा सूरज देख दिया कहता पता नहीं मेघना की ना मेघना। गुरु नानक देव जी हंसन लग गए, मर्दाना मौत को कितनी की दूर समझता है? भाई बाला जी तुम दसो। भाई बाला जी कहने लगे हे गरीब रिवाज सच्चे पातशाह 2 घड़ी दिन बीत चुका है और वाली 2 घड़ियां पता नहीं मेघना की ना मेघना। गुरु नानक देव जी हंसन लग गए, तू भी मौत को कितनी की दूर समझता है? गरुड़ पुराण में वर्णन है मनुष्य 24 घंटे में 22,000 आना। उसी तरह गुरु नानक देव जी ने कहा तू भी मौत को इतनी दूर समझता है? अरे मौत तो तुम्हारे हाथ और पांव से भी नजदीक है। 2 गिन 4 आंगुल श्वास बाहर आया, यदि वो अंदर गया तो हम आदमी, यदि वो अंदर नहीं गया तो मात्र मिट्टी की ढेरी। इसलिए नारायण कहते हैं कि गरुड़ जी यह जीव जीवन भर फूला नहीं महल को जोड़ता हुआ अपने परिवार की और अपने व्यापार की वृद्धि हर व्यक्ति पूरा नहीं संभालता, लेकिन एक क्षण लगता है महाराज सब कुछ नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी घर के आगे से जा रहे थे, कबीरदास जी ने वहां देखा एक व्यक्ति बैठा हुआ है, 30 साल का युवक बैठा हुआ था, उसके दाएं बाएं सब पूरा परिवार बैठा था, पत्नी बैठी थी, भाई बैठे थे, परिवार बैठा था। कबीरदास जी ने देखा वह 30 साल बड़ी प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा। कबीरदास जी की चितकलम चलती है और कबीरदास जी ने लिखा मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, माता कहे या पुत्र हमारा, बहन कहे मीरा मेरा, भाई कहे या भुजा हमारी, नारी कहे ना मेरा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कबीरदास जी कैसा नाता रे। कुछ दिनों के बाद उस घर के आगे से गए, वह 30 साल का युवक घर में अचानक मृत्यु शैया में पड़ा था, सारा परिवार रोने लग गया, भाई बंधु सब रोने लग गए। कबीरदास जी ने देखा माँ पेट पकड़ कर रो रही थी, माँ पकड़ कर भाई रो रहे थे, बहन रो रही थी, लिपट लिपट कर तैयार हो रही थी। कबीरदास
और वो कृपा बनी रहती है। इसलिए महाराज मैंने कल जो भी सुना न्यूज़पेपर
पेपर में पढ़ा कि महेंद्र राम जी बड़े गौ सेवा भक्त थे, प्रत्येक जीव को होना चाहिए, आप रोज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अपने घरों में गोलक लगा दीजिए, एक दो पांच सात कुछ रुपए उसमें प्रतिदिन डालिए। हम रोज हजारों रुपए खर्च करते हैं, बाहर 10 मिनट भी घूमने जाएंगे 500-700 रुपया वैसे ही खर्च हो जाता है। प्रतिदिन घर में गोलक लगा के 5-10 रुपए डाले, जब जब पैसा इकट्ठा हो जाए, कुछ ऐसी गौशालाएं जालंधर में है, बाहर भी है, अभी पीछे थोड़े दिन पहले की मोटाई की 2 महीने पहले की शाहजहां में बिना चाचे के 3-4 जैया भूखी मर गई, कई बीमार थी, जालंधर में भी ऐसी सही जगह स्थितियां हैं। प्रेसिडेंट होटल के सामने एक गौशाला है पुलिस लाइन के अंदर, जहां हमारा असहाय बीमार बूढ़ी गैया रहती है, अपनी धन की कमाई से हमारा अपने जीवन में जो धन कमाया उसकी भी शुद्धि होनी चाहिए, वह शुद्धि कैसे होगी गाय से खा करके। आप यहाँ मास्टर जी की अंतिम शोक सभा में आए, हम यहाँ आते हैं 1 घंटे के सत्संग में कुछ ना कुछ सीख के जाना चाहिए, आज संकल्प लेके जाइएगा रोज 2-4-5 अपनी सामर्थ्य के मुताबिक कुछ रुपए निकालेंगे, जब वो रुपए इकट्ठे हो गए गौशाला जाके चारा डालिए, दूध डालिए, दवाई चाहिए दवाई दीजिए, हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। आज ये प्रेरणा लेके जाइएगा, मास्टर जी का चित्र लगा हुआ है, कबीरदास जी कहते हैं तेरे जैसे लाखों आए क्या संदेश लेके जा रहे हैं, मैं चला गया हूँ, ये संसारिक जीवी एक नई दिन सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले जीवन में सक्षम होना चाहिए, जीवन में भगवान नाम परिपूर्ण होना चाहिए। आप यहाँ पर आए, आपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी दुख के समय में सांत्वना प्रकट की, मैं परिवार की बात करता हूँ जिन्होंने शोक के अवसर पर पहुंचकर इस घड़ी में परिवार के प्रति अपने दुख को व्यक्त किया। आप यहाँ पर आके 2-4-5-10 रुपए चढ़ाते हैं, ये कोई श्रद्धा सुमन नहीं है, श्रद्धांजलि नहीं है, सांत्वना का गान करेंगे, कुछ शोक प्रस्ताव भी है अग्रवाल जी, शोक प्रस्ताव को पढ़ेंगे, उसके बाद 2 बार महामंत्र नाम, यही दिवंगत आत्मा के प्रति श्रेष्ठ श्रद्धांजलि है, उसके बाद संसदी होगी कुछ शोक प्रस्ताव। मेरे प्रेमी, मेरे भ्रावो, मेरे बुजुर्गो, तुहानू सबनू मैं जय माता। अज उन्हानू जे कोई आदमी कोई उन्हानू साडे जिन्ने भी लोग सीगे इस इलाके दे विच जिहड़े पहला प्यार नाल उन्हानू लाला जी तां कहिंदे सी, स्कूल दे विच वी घर दे विच वी, उन्हां दा शुभ नाम श्री मंगत राय जी अग्रवाल, उस मास्टर जी जिन्हां नूं असी दिलों गुरु जी मानते हैं, उन्हां दे बारे मैं 2-4 लफ्ज़ तुहानू कहूँगा। वह एक बड़ी महान शखियत से, सफेद कपड़ियां से एक महात्मा से, पवित्र आत्मा, इस दुनिया की चलाकियां तो दूर रहन वाले, अपने बखाने का फर्क नहीं कदे समझते सी, सफेद वस्त्रां दे विच पवित्र आत्मा वाले, उन्हां दी मैं दिल दी गहराइयां तों उन्हां नूं प्रणाम करना। श्री मंगत राम मास्टर जी 40 साल लगातार, 40 साल एक जिंदगी दे विच बहुत वड्डी गल हुंदी है, लभू राम दुआबा कॉलेज दे स्कूल ते अपनी सेवा राष्ट्र नूं, राष्ट्र दे बच्चों नूं शिक्षित करन लई दिंदे रहे है, उन्होंने बहुत बच्चों NCC दे कमांडिंग अफसर के रूप के भी देश लई कुरबानी का पाठ पढ़ाया। मास्टर जी ने बच्चों अपने घर ट्यूशन भी पढ़ाइया, पर कदे पैसे लैन तो उन्होंने हमेशा परहेज किया, और ये कहते रहे भी फ्री जरा मर्जी मेरे को आके पढ़ ले, मैं पढ़ाने की फीस कदे मैं लै नहीं सकता, वह इस गल के हमेशा ट्यूशन फीस के विरोध ही करते रहे, जो बच्चा जिन्नी देर मर्जी पढ़े पर फीस नहीं उन्होंने लैनी कदे मंजूर हुई। भगवान एक असी जिन्हें भी जरा इलाज साढ़े देवता, उन्हों का नाम है भगवान धनवंतरी,
भगवान धनवंतरी मैडिकल का देवता कहा जाता है, उन्होंने कृपा नाल उन्होंने देसी दवाइया के दे बहुत बड़ी महारत थी जेडे इलाज उन्होंने संभव सगा और लोगों का इलाज मुफ्त मुफ्त सलाह वो हमेशा देंदे थे। भी उन्होंने खासियत दवाई अपने को मुफ्त देनी सलाह देनी जिते उन्होंने समाज को बहुत शिक्षित किया। उन्होंने पढ़ाए हुए बच्चे आज पूरे भारत के उन्होंने अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मारे साडे जिहड़े प्यारे गुरु जी है जिन्होंने असीं प्यार नाल मास्टर मंगत राय जी कहने हैं, उन्होंने अपने बेटे को भी भारत माता की सेवा के भेजा। वो नेवी नेवी मिलिट्री के भी डॉक्टर के रूप में भी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी बेटी सुधा एक बैंक आफिसर है दमाद डॉक्टर पवन गुप्ता जेडे तकरीबन सारे जानते हो। एक बेटी उन्होंने डॉक्टर एम डी है दमाद भी चंडीगढ़ के डॉक्टर एम डी है। एक बेटी ने पी एच डी ला की हुई है तो उन्होंने जेडे हसबेंड है वह भी वकील साहब है। एक बेटी उन्होंने प्रोफेसर हैगी है, उन्होंने दमाद फिरोजपुर के भी वकील साहब वकील का काम करते हैं। एक बहुत बड़ा परिवार है, पोते दोते पोते पोते दोते सब बड़ा पूरा परिवार है, बहुत खुशहाल परिवार है। वो साडे मंगत राम जी को साडे पिता समान मास्टर जी को जिंदगी दे विच एक दुख ऐसा हो गया जिहड़ा उन्हां नूं सारी उम्र खांदा रहा। 35 साल पहला उन्होंने एक बच्चा किसी तरीके नाल करों चले गया या उन्हों अगवा कर दिता गया। वो 35 साल उन्हों लभदे ही रहे। उन्होंने दुनिया के बीच हर प्राइम मिनिस्टर हर चीफ मिनिस्टर हर जगह जगह चिट्ठिया लिखिया बहुत कुछ उस बच्चे लभन लिये किया पर बच्चा अज तक भी लभ नहीं सकया। वो एक दुख मास्टर जी दे सारिया जिंदगी दे भी चंगिया गल्लां होने तो बाद भी वो एक दुख उन्होंने जिंदगी दे विच रहा। तो साडे कोल मतलब बहुत सारे शोक प्रस्ताव आए है, मैं वो दो मिनट लेट पढ़ूँगा। तो साडे कोल विजय कुमार वर्मा जी आए है, मैं उन्होंने उन्होंने 5 मिनट का टाइम मंगते पर मैं 5 मिनट का टाइम शोक सभा खत्म करना। विजय कुमार वर्मा जी कृपा इतने आ बड़ा ही दुख का घड़ी है कि साडे साडे वड्डे भरा श्री मंगत राय जी अग्रवाल जी नहीं है। जिथों तक मंगत राय अग्रवाल जी का सवाल है, उन्होंने सारी उम्र समाज की सेवा की, समाज में बच्चों ने भी अच्छी शिक्षा दी, अपने स्टूडेंट ने भी अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, जिसकी बदौलत अच्छे परिवार ऐसी शोहरत हासिल कर रहा है कि जेड़ा क्या नहीं करता। पर जड़ा प्राणी है उन्हें एक दिन जाना ही है। आदमी इंसान कहता है कि दुनिया के जो कोई सच चीज है तो मौत है, मौत है, जो कोई झूठ की चीज़ है तो वह जीना है। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों मास्टर जी को श्रद्धा के फुल भेट करदा ते नाल ही तुसी इस घड़ी के उन्होंने नाल दुख उठाया है, तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिते तुसी दुख उठाया है जिते तुसी उन्होंने भावना रूपी श्रद्धा के फुल भेट किए हैं, आओ आप रल के सारे आप राम हाल के बैठे हाँ, प्रभु राम विराजमान हैं, आप क्यों ना आप प्रभु राम के अगे अरदास करिए। की अरदास करनी है, कहत कबीर सुनोरे संतो खेती करो निबेड़ा, अब की बार बख्श बंदे को बहुत न भागा निबेड़ा। अगे आता है कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई, माटी क्या क्या तोते प्रामी मानस की करते ही। आप सारे ने अरदास करनी है कि मास्टर जी को किसी वेले कोई अनजाने कोई गलती हो गई हो गलती ना परमात्मा विचारे, यही है कि उन्होंने अपने चरणों से निवास देना ते इस जन्म मरण तो मुक्त करना। इन्होंने शब्दों के नाल बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल परिवार को, एक एक कदम चलिया
ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋ ਰਹਾਂ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੀਆ ਰਹਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸ਼ੀਤਲ ਬੀਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਰਜੇਸ਼ ਬੀਜ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਧੀਰ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ, PNB ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਲੱਭੂ ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਵਾਂ, ਦੇਵੀ ਕਲਾ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮੀ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਨਾ ਕਸਾਈ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਥਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ
ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਜਦਾ ਪੁੱਟਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 2-40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਆ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰੀਆ ਕੌਣ ਮਿਲਣਗੀ, ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਸਿਮਰ ਭਜ ਕੇ ਬਣਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹੋ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਵਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਧਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਗਦ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਉਨੇ ਕਦਮ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਯੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਵਾਲ ਸਮਾਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਿ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ